अभी मेरी मुलाकात दो युवाओं से हुई, तो उनकी स्थिति ये थी कि दोनों ही बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। एक लड़की है और उनमें एक लड़का है। जो लड़का है उसने एसएससी का एग्ज़ाम मेंस 5 बार दिया है, लेकिन आगे सिलेक्शन नहीं हो पाया। जो लड़की है उसका नाम निधि है, उसने एसएससी मेंस का एग्ज़ाम 2 बार दिया है और मेंस तक पहुंचने के बाद फिर आगे ऐसी स्थिति नहीं बन पाई कि उनका सिलेक्शन हो पाता। तो इन मामलों में मेरा मानना यही है कि नौकरियों की संख्या इतनी कम होती है कि कुछ का सिलेक्शन हो पाता है और कुछ का नहीं हो पाता है, जबकि उन जो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। और हालात ऐसे हैं कि जो सिलेक्शन पा जाते हैं वो हीरो हो जाते हैं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है बहुत सारे लोगों की नज़र में, समाज की नज़र में वो जीरो रह जाते हैं। जबकि अगर बौद्धिक स्तर देखा जाए तो बड़ा मामूली सा एक लाइन है जिसको वो इसलिए क्रॉस नहीं कर पाए कि दूसरी तरफ जो रूम है जहाँ सिलेक्शन होना है वो इतना बड़ा नहीं है कि सबको ले सके। तो बहुत सारे प्रतिभाशाली छात्र एक जीरो का टैग लगाकर इस दौड़ से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी ही दो इन युवाओं से मेरी मुलाकात हुई और दोनों ने मिलकर फैसला किया कि अब वो अपना काम करेंगे। तो अब मैं इनका आपको साक्षात्कार दिखाता हूँ। मैं बड़ा प्रभावित हुआ और इसका रहस्योद्घाटन तब हुआ जब मैं उनकी दुकान में पहुँचा तो उसमें लिखा हुआ था एसएससी से समोसे तक का सफ़र। समोसा गुप्ता के नाम से ये दुकान है और बहुत ही अच्छे तरह से ये लोग सब चीज़ों को बना रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक अल्लाहपुर के सामने इसकी लोकेशन है। बहुत ही प्रतिभाशाली दोनों युवक युवती, और अब मैं इनसे आपको मिलवाने वाला हूँ। आपको एक छोटी सी दुकान और एक बड़ी सी सोच और साथ में एसएससी से समोसे तक का सफ़र। इनकी लगन को सलाम, और रोजगार मांगने वाला नहीं रोजगार देने वाला बनिए, इसको चरितार्थ करते हुए। आप हैं अंकित गुप्ता जिन्होंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया, जैसे कि ये दुकान पर लिखा हुआ है एसएससी से समोसे तक सफ़र। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि एसएससी का जैसे आपने तैयारी की तो आपकी किस स्टेज तक आप पहुँचे और क्या रहा? 5 बार मेंस दिया था मैंने एसएससी का, मतलब आपने सीजीएल 5 बार मेंस दिया? सीजीएल का जी। चलिए बहुत बढ़िया। और तो लास्ट में एनटीपीसी का एग्जाम था स्टेशन मास्टर के लिए, हाँ तो उसका एग्जाम दिया था मैंने। तो बस वही साइको में नहीं हुआ था, तो 31 अप्रैल मई में, हाँ 31 जुलाई को जो है रिजल्ट आया था उसका। अच्छा, तो नहीं हुआ था उसमें, साइको में नहीं हो पाया था, तो उस दिन फिर छोड़ दिया था मैंने फिर अपना शुरू करने कि अब अपना काम करना है। हाँ चल रहा था बहुत दिन से, लेकिन फिर उस पर फिर काम करना शुरू कर दिया। बहुत दिन में चल तो रहा था दिमाग से, लेकिन फिर उस पर काम करना उस दिन से शुरू कर दिया था। तो इसके पहले ये दुकान बता रहे थे आप कहीं और थी, कहाँ पर? लल्ला चुंगी पे दुकान थी मेरी, बैंक रोड पे। अच्छा, तो वहाँ पर से यहाँ बदलना पड़ा। हाँ तो सेल वहाँ कितनी थी, यहाँ कितनी है? वहाँ तो अच्छी सेल थी, वहाँ यहाँ पे थोड़ी कम है, मतलब वहाँ से तो बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, शिफ्ट करना पड़ गया हम लोग को 2 महीने में वहाँ से, थोड़ी दिक्कतों की वजह से। अच्छा, यहाँ से तो सेल बहुत ज़्यादा कम है जो है, अभी शुरुआत है। पुराने कस्टमर हमारे आ रहे हैं जो है, नए अभी चढ़ नहीं रहे, धीरे धीरे वो आ रहे हैं। यहाँ तो 1 महीना हुआ है अभी, 1 महीना करीब करीब हुआ है। आप हैं निधि जिन्होंने भी एसएससी का एग्ज़ाम दिया, और अब बाकी तो इनको ही मैं पूछता हूँ कितने बार एग्ज़ाम क्लियर किया और किस लेवल तक गए? 2 बार मेंस दिया मैंने, और उसके बाद मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था बिजनेस में कि नौकरी करके करना था, लेकिन या एक कोई चाहिए था साथ में, कि अकेले संभालना बड़ा मुश्किल होता है, लेबर्स वर्क ये सारी चीज़ें। फिर हम लोग का एक ही डिस्ट्रिक्ट में घर पड़ता है, पास पास ही है। अच्छा, पहचान थी एक दूसरे से। हाँ, तो जब मैंने पता चला कि उनको करना है तो मैंने कहा कि नेक्स्ट करते हैं। सही है, करते हैं साथ में। तो दो बार मेंस देने के बाद फिर वो 4 खत्म हुआ जी, और बिजनेस मुझे एक रास्ता मिल गया, कोई कर रहा था तो मेरे साथ। हाँ, तो दोनों लोग मिल के अब इसको चला रहे हैं। तो अभी आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें समोसा है जो 3-4 तरह का है, और तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स अभी ठीक ठाक है, शाम को रहता है भाई, अच्छा दिन भर तो ऐसे ही रहता है। अच्छा, अभी ये समस्या बता रहे थे कि लेबर की, कारीगर की बहुत समस्या है, और मैंने देखा इनको कि अब ये खुद से ही तैयारी कर रहे हैं।
अगला लॉट तैयार कर रहे हैं समोसों का, क्योंकि जो पहले से थे वो ख़त्म हो चुके हैं। और मैंने भी खाया समोसा, बहुत ही अच्छा था, हाईली रिकमेंडेड। कम से कम जो लोग अल्लाहपुर या इसके आसपास आए हुए हैं, किसी भी तरह से रह रहे हैं, उनको यहाँ ज़रूर ये समोसा ट्राई करना चाहिए। और ये पक्का है कि फिर वो बार बार आते रहेंगे। तो अब जैसे आज कारीगर नहीं है तो आप खुद ही लग रहे हो। हाँ, करते हैं घट्टे बढ़ते रहते हैं, हाँ, भी करते हैं, लोग भी आ जाते हैं। वो है भी सो मस्ट रॉन कि सो चलता रहना चाहिए, चाहे खुद को लगना पड़े। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, रात को 12 बजे तक लगे रहते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया, मेरी शुभकामनाएं।